Welcome students, today we will complete the first lesson of CBSE NCERT Nationalism in Europe. Last time we had completed point number 5, that is visualizing the nation. We saw how female allegories were used for nation, representing nation, and females were used as statues, or feminism we can say. Allegory word was that abstract idea was shown or personified through female figures. So nation was represented through female figures. Marianne was Christine, or we can say became popular as Francis statue for freedom or for France, representation of France, and Germania became the allegory of German nation. Today we will continue further. Now box 3 is there, meaning of the symbols. Symbols are given here. I'll enlarge it for you to see. Breast protector is there, broken chain, sword is there, olive leaves are there, crown is there, flag is there, sun rays are there. Let us see each now. Meanings of the symbols. Attribute. Now, as you saw, broken chains. What does it mean, or what does it signify? What is the importance of broken chains? Being freed means freedom is established, freedom is attained. Mukti mil gayi, azadi mil gayi. Broken chains ka matlab hota hai. Breastplate with eagle. Breastplate, jaise hum log kavach hota hai hamare sharir ke upar. शस्त्र अस्त्र हमारे शरीर के ऊपर न करें. अभी महाभारत का युद्ध तुमने देखा ही है, कवच था जो कर्ण के पास, वो कैसे उनसे ले लिया गया. तो कवच जिसको हम लोग बोलते हैं, ब्रेस्ट प्लेट विथ ईगल, इट इज़ अ सिंबल ऑफ द जर्मन एम्पायर स्ट्रेंथ. तो जर्मनी के साम्राज्य का वो चिन्ह है, उसकी ताकत की वो पहचान है. क्राउन ऑफ ओक लीव्स, ओक के पत्तों का क्राउन जो है वो हीरोइज्म मींस वीरता, शौर्य बताता है. स्वॉर्ड, स्वॉर्ड वो तलवार जो है वो बताता है रेडीनेस टू फाइट, कि हमेशा युद्ध के लिए, लड़ाई के लिए तैयार है. ओलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड, और स्वॉर्ड के इर्द गिर्द आजू बाजू अराउंड उसके जो ओलिव ब्रांच है. विलिंगनेस टू मेक पीस, कभी भी शांति के लिए तैयार हैं वो, ऐसा उसकी सूचना है या ऐसा वो बताता है. ब्लैक, रेड एंड गोल्डन ट्राइकलर. फ्लैग ऑफ द लिबरल नेशनलिस्ट इन 1848. हमने काफ़ी सारा इसके बारे में सुना है 1848, और हमने समझा भी है ये लेसन में कि लिबरल नेशनलिस्ट का ये फ्लैग था 1848 में. बैंड बाय द ड्यूक्स ऑफ द जर्मन स्टेट, लेकिन जर्मन स्टेट के जो ड्यूक्स थे उन्होंने उसको बैन कर दिया, उसको रोक लगा दी उसके ऊपर. रेज ऑफ द राइजिंग सन, उगता सूरज, उसकी किरणें जो हम लोग बोलते हैं. बिगनिंग ऑफ अ न्यू एरा, तो एक नए युग का आरंभ ऐसा हम लोग बोल सकते हैं. तो ये चिन्ह, ये फोटो उसका देख सकते हो, और ये डिस्क्रिप्शन अभी जो हमने पढ़ा वो तुम्हारा. ना फिगर 18 बता देता, द फॉलन जर्मेनिया, जूलियस हिबनर 1850 में जैसे फॉल हो गया जर्मेनिया का, तो ये स्टैचू जो है या एलेगोरी जो है वो सोई हुए ज़मीन पर, आजू बाजू में स्कल्स वगैरह दिख रहे हैं, क्राउन गिरा हुआ है, उसके हाथ का जो राजदंड होता है वो गिरा हुआ है, मीन्स ज़मीन पे लेटी हुई है, ऐसा हम लोग बोल, फॉल हो गया उसका. विच वॉट हिस्टोरिकल इवेंट्स कुड हिबनर बी रिफरिंग टू इन दिस एलेगोरिकल विजन ऑफ द नेशन, तो ये फोटो क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या हुआ होगा जर्मनी के साथ, ऐसा हमको उसने पढ़ने के लिए या ऑब्जर्व करने के लिए बोला है. फिर फिगर 19 है, जर्मनिया गार्डिंग द राइन. 1860 का कोई फिगर है, 1850 का था ऊपर. 1860 आर्टिस्ट लॉरेंस क्लैसेन वॉज कमीशन टू पेंट दिस इमेज. कमीशन मीन्स उसको रॉयल फैमिली ने बुला था ये पेंटिंग बनाने के लिए, जिसके लिए उसको पैसे दिए जाएंगे. द इंस्क्रिप्शन ऑन जर्मनियाज स्वॉर्ड रीड्स, और जर्मनिया के स्वॉर्ड्स तलवार के ऊपर
ये शब्द लिखे हुए हैं, द जर्मन स्वॉर्ड प्रोटेक्ट्स द जर्मन राइन। तो जर्मन स्वॉर्ड जो है, जर्मनी की जो तलवार है वो जर्मन राइन, राइन नदी का नाम है, जो उसको प्रोटेक्ट करेगा जर्मन को। फिर एक एक्टिविटी दी है कि अगर तुम फ्रैंकफर्ट के सिटीज़न होते मार्च 1848 में एंड वर प्रेजेंट ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट में अगर तुम वहाँ होते, हाउ वुड यू, तो तुम क्या करते। फर्स्ट पोजीशन दिए कंडीशन, एज अ मैन सीटेड इन द हॉल ऑफ डेप्यूटीज, तो डेप्यूटीज़ के बीच में तुम अगर एक इंसान होते जो बैठे हुए थे तो तुम क्या करते। बी, एज अ वुमन ऑब्जर्विंग फ्रॉम द गैलरीज, और अगर तुम स्त्रियों के उसमें होते और सिर्फ गैलरीज में खड़े खड़े ऑब्जर्व करने का होता तो तुम क्या करते। रिलेट टू द बैनर ऑफ जर्मनिया हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग, रिलेट टू द बैनर, तो जर्मनिया का जो बैनर है वो सीलिंग पे जो हैंग कर रहा है उसको तुमको उसके संदर्भ में ये बातें करनी है। लास्ट पॉइंट ऑफ द लेसन इज नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। इम्पीरियलिज्म का मतलब वही मोनार्की का ही रिलेटेड होता है, सिनोनिमस। बाय द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी नेशनलिज्म नो लॉन्गर रिटेन्ड इट्स आइडियलिस्टिक लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द सेंचुरी। तो 1801 से लेकर 1850 तक जो सेंटिमेंट्स थे नेशनलिज्म के लिए, उसके जो आइडियल्स थे लिबरल डेमोक्रेटिक के सेंटिमेंट्स फीलिंग्स थे, जो फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी 1801 से 1850 की बात करें, पर अब वो टिके नहीं, वो अब उस तरीके की बातें नहीं रह गई। बट बिकेम अ नैरो क्रीड विद लिमिटेड एंड्स, लेकिन एक मर्यादित एंड्स मीन्स मर्यादित थॉट्स उसमें रह गए, नैरो क्रीड, एक नैरोनेस हो गई उसके अंदर। पहले बहुत स्प्रेड हुआ करता था, इनके थॉट्स बहुत स्प्रेड थे लेकिन अब लिमिटेड हो गए। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इसी समय दरमियान नेशनलिस्ट ग्रुप्स बिकेम इंक्रीजिंगली इनटॉलरेंट ऑफ ईच अदर एंड एवर रेडी टू गो टू वॉर। और जो नेशनलिस्ट ग्रुप्स थे जो नेशन स्टेट बनाना चाहते थे वो एक दूसरे के असहनीय हो गए, एक दूसरे को सहन नहीं कर सकते थे, और इसके कारण हमेशा वो युद्ध के लिए तैयार रहते थे। द मेजर यूरोपियन पावर्स इन टर्न, और जो यूरोपियन पावर्स थे, मुख्य पावर्स थे, मेन पावर्स थे यूरोप के, इन टर्न उसके बदले में मैनिपुलेटेड द नेशनलिस्ट एस्पायरेशंस ऑफ द सब्जेक्ट पीपल्स इन यूरोप टू फर्दर देयर ओन इम्पीरियलिस्ट एम। तो जो यूरोपियन पावर थे, मोनार्क्स थे, राजा थे, जो ऊंचे लोग थे, उन्होंने इसके बदले में क्या किया, या ये जो चल रहा था, लड़ाई चल रही थी, असंतोष चल रहा था नेशनलिस्ट ग्रुप्स के बीच में, उसके कारण उसको लगा कि अब इनकी जो इच्छाएं हैं नेशनलिस्ट इंस्पायरेशन से या नेशनलिस्ट विशेष से, एस्पायरेशन से, जो लोग प्रजा जो चाहती है कि नेशनलिस्ट हो जाए, स्टेट हो जाए, यूनियन हो जाए सबका, तो वो अपने खुद के स्वार्थ के लिए अब इसमें दखलगिरी करते हैं या अपने खुद का स्वार्थ उसमें देखते हैं, टू फर्दर देयर ओन इम्पीरियलिस्ट एम। तो लोगों के जो झगड़े हैं उनका वो फ़ायदा उठाते हैं। द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 वॉज द एरिया कॉल्ड द बाल्कन्स। तो बाल्कन का जो एरिया था, रीजन था, वो 1871 में यूरोप में एक सबसे संघर्षपूर्ण एरिया या टेंशन का एरिया हम लोग बोल सकते होता था एक। बाल्कन्स वॉज अ रीजन ऑफ ज्योग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन कॉम्प्राइजिंग। बाल्कन्स कैसा रीजन था, एक ऐसा ज्योग्राफिकल रीजन था जिसमें एथनिक वेरिएशन मीन्स पुराने समय से लोग रहते आते थे। एथनिक, हमने ऑलरेडी ये वर्ड देखा है कि बिलोंगिंग टू अ कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजन, जो अपने आप को बोलते हैं कि हम सालों से यहाँ पर रहते हैं। कॉम्प्राइजिंग मॉडर्न डे, अब उसमें कौन से राष्ट्र आते थे मॉडर्न डे, तो आज के जो राष्ट्र हैं, रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मॉन्टेनेग्रो, ये सब राष्ट्र जो आज के हैं वो उस टाइम पे बाल्कन का एरिया कहा जाता था। हुज इनहेबिटेंट्स वर ब्रॉडली नोन एज द स्लावस, और इनको सबको इकट्ठा स्लावस के नाम से पहचाना जाना था, यानी कि बाल्कन्स के जो रहने वाले थे, रहवासी थे, उनको
स्लाव्स के नाम से पहचाना जाता था। अ लार्ज पार्ट ऑफ द बाल्कन्स वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ द ओटोमान एम्पायर, तो मुस्लिम राष्ट्र के, मुस्लिम साम्राज्य के अंडर में था एक बड़ा हिस्सा बाल्कन्स का, ओटोमान एम्पायर उनको कंट्रोल करता था बड़े हिस्से को। द स्प्रेड ऑफ द आइडियाज़ ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म इन द बाल्कन्स टुगेदर विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ओटोमान एम्पायर मेड दिस रीजन वेरी एक्सप्लोसिव। अब दो चीज़ें साथ में हुई, एक कि नेशनलिज्म की आइडियाज़ फैलने लगी, हर राष्ट्र अपने आप को या हर एरिया अपने आप को, जैसे हमने ऊपर देखा, अपने आप को स्वतंत्र करना चाहता है, फ्री करना चाहता है, और दूसरा ओटोमन एम्पायर है उसका साम्राज्य हो तितर बितर हो रहा है, डिसइंटीग्रेट होता है, इसका मतलब टूट फूट हो रही है, लोग उसमें से, राष्ट्र उसमें से निकलते जा रहे हैं उसके हाथ में से। तो ये जो कंडीशंस थे इस रीजन को बहुत एक्सप्लोसिव मीन्स विस्फोटक परिस्थिति हो गई। ऑल थ्रू द 19th century, पूरी 19वीं सदी के दरमियान द ओटोमन एम्पायर हैड सॉट टू स्ट्रेंथन इट्सेल्फ, ओटोमान एम्पायर अपने साम्राज्य को और मजबूत करना चाहता था, फैलाना चाहता था थ्रू मॉडर्नाइजेशन एंड इंटरनल रिफॉर्म्स, वो आधुनिकता के ऊपर ध्यान रखते, आधुनिकीकरण होना चाहिए और आंतरिक रिफॉर्म्स यानी कि बदलाव होने चाहिए राष्ट्र में, बट विथ वेरी लिटिल सक्सेस, लेकिन उनकी ये जो थॉट्स थे वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे, तो ज़्यादा सक्सेस इन बातों में उनको नहीं मिली। वन बाय वन, एक के बाद एक, इट्स यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलिस्टिस ब्रोक अवे फ्रॉम इट्स कंट्रोल एंड डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस, एक के बाद एक जो उसके यूरोपियन रीजन्स उसके अंडर में थे वो उससे टूटते गए, उससे बिछड़ते गए, अलग होते गए उसके कंट्रोल में से, और अपने आप को आज़ाद घोषित किया, मुक्त घोषित किया। द बाल्कन पीपल्स बेस देयर क्लेम्स फॉर इंडिपेंडेंस और पोलिटिकल राइट्स, और बाल्कन पीपल जो थे अपने क्लेम करते थे कि हम ऐसे हैं, फॉर इंडिपेंडेंस कि हमको भी आज़ादी चाहिए, और पॉलिटिकल राइट्स या तो उनको राजकीय हक मिलने चाहिए, और नेशनलिटी उनकी नेशनलिटी के बेस के ऊपर, एंड यूज हिस्ट्री टू प्रूव दैट दे हैड वंस बीन इंडिपेंडेंट, और उन्होंने इतिहास को दोहराया मीन्स बोला कि इतिहास पढ़ो, इतिहास बताता है, इतिहास गवाह है कि हम एक बार इंडिपेंडेंट थे, हमारे ऊपर किसी ओटोमान एम्पायर का राज नहीं था। बट इट सब्सिक्वेंटली बीन सब्जुगेटेड बाई फॉरेन पावर्स, लेकिन एक के बाद एक फॉरेन पावर्स ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया था, उसको सब्जुगेट कर लिया था मीन्स अपने अंडर में कर लिया था। हैंज द रेबेलियस नेशनलिटीज इन द बाल्कन्स थॉट ऑफ देयर स्ट्रगल्स एज अटेम्प्ट्स टू विन बैक देयर लॉन्ग लॉस्ट इंडिपेंडेंस, इसीलिए ये जो क्रांतिकारी नेशनलिटीज थे, ये जो अपने आप को मुक्त करना चाहते थे बाल्कन्स के लोग, वो अपने संघर्ष को ऐसा मानते हैं कि एक प्रयास है कि अपनी जो लंबी खोई हुई आज़ादी, लंबे समय से जो आज़ादी खोई हुई है उसको वो लोग वापस प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी घड़ी अभी आ गई है, ऐसा समय अभी आ गया है। एज द डिफरेंट स्लैविक नेशनलिटीज स्ट्रगल टू डिफाइन देयर आइडेंटिटी एंड इंडिपेंडेंस, और अलग अलग स्लाविक नेशनलिटीज़, जैसे हमने देखा अलग अलग राष्ट्र के लोग राष्ट्रीयता के लोग रहते थे, वो अपने आप को मुक्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अपने आप अपनी एक अलग पहचान बनाना अपनी आज़ादी के लिए। द बाल्कन एरिया बिकेम एन एरिया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट, तो बहुत ही संघर्षपूर्ण रीजन हो गया, बहुत ही झगड़े होने लगे, युद्ध होने लगे वहाँ पर। बाल्कन स्टेट्स वर फियर्सली जेलस ऑफ ईच अदर, और जो ऊपर के रीजन्स थे, बाल्कन रीजन्स थे, वो अपने आप से एकदम खतरनाक ईर्ष्या करते थे, जलते थे एक दूसरे से, एंड ईच होप टू गेन मोर टेरिटरी एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर्स, और हर एक जो नेशनलिटीज थे वो अपने आप को और बढ़ाना चाहते थे, अपना एरिया, अपनी टेरिटरी, अपना रीजन बढ़ाना चाहते थे, दूसरों का एरिया हड़प करके या दूसरों के एरिया को जीत के, यानी कि अपना विस्तार करना चाहते थे हर एक नेशनलिटीज़। मैटर्स वर फर्दर कॉम्प्लिकेटेड, और जैसे हम बोलते आग में घी डालने का काम करना, वैसे ये जो परिस्थिति पहले से ही ख़राब थी वो और ख़राब हो गई, और कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड हो गई, बिकॉज द बाल्कन्स ऑल्सो बिकेम द सीन ऑफ बिग पावर राइवलरी, और जो बाल्कन्स जो एरिया था वो बिग पावर यानी कि जो बड़े राष्ट्र थे, ताकतवर राष्ट्र थे उस टाइम के यूरोप के, उनकी एक दुश्मनी हो गई, या उनकी दुश्मनी के कारण हर कोई इसको प्राप्त करना चाहता, बाल्कन रीजन के ऊपर राज करना चाहता था।
During this period, there was intense rivalry among the European powers over trade and colonies as well as naval and military might. तो इस टाइम के जो बड़े यूरोपियन पावर्स थे, हमने देखा ओवर ट्रेड एंड कॉलोनीज, उनको व्यापार बढ़ाना है, अपना कब्जे में करना है, कॉलोनीज बनानी है, दूसरों लोगों को सब्जुगेट करना है, गुलाम बनाना है, एज वेल एज नेवल, समुद्र को हम लोग बोलते हैं, उसमें अपनी नेवी फोर्स जो होता है, वाटर फोर्स जो होता है, नेवी हम बोलते हैं, वो ताकत बढ़ानी है, एंड मिलिट्री माइंड, और सेना का भी ताकत या सेना को भी स्ट्रॉन्ग करना है. तो ये बड़े राष्ट्र थे जो व्यापार बढ़ाना चाहते थे, व्यापार के ऊपर कंट्रोल करना चाहते थे, दूसरे राष्ट्रों पे कंट्रोल करना चाहते थे और अपना नेवल और मिलिट्री माइट पावर बढ़ाना चाहते थे. दिस राइवलरीज वर वेरी एविडेंट इन द वे द बाल्कन प्रॉब्लम अनफोल्डेड. और ये जो संघर्ष थे, ये जो आपसी संघर्ष होते थे यूरोपियन पावर्स के बीच में, ये देखा जाता था जिस तरीके से बाल्कन का प्रॉब्लम सामने आया सबके, अनफोल्डेड का मतलब सामने आया ईच पावर. तो कौन से बड़े पावर्स थे? रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, ये बड़े पावर्स थे, मेन पावर्स थे यूरोप के उस टाइम पे. वॉज कीन ऑन काउंटरिंग द होल्ड ऑफ अदर पावर्स ओवर द बाल्कन्स. दूसरे का जो हक था, या दूसरे जो सपोज रशिया है, वो जर्मनी के अंडर में जो बाल्कन का एरिया वो हथियाना चाहता होगा, इंग्लैंड है वो ऑस्ट्रो हंगरी के पास जो एरिया है वो अपने पास करना चाहता होगा, ऐसे एक दूसरे के पास जो एरिया थे वो एक दूसरे से छीनना चाहते थे और अपना कंट्रोल उसके ऊपर करना चाहते थे. एंड एक्सटेंडिंग इट्स ओन कंट्रोल ओवर द एरिया, और अपना कंट्रोल, अपना अंकुश उसके ऊपर स्थापित करना था. दिस लेड टू अ सीरीज ऑफ वॉर्स इन द रीजन. इसके कारण इस क्षेत्र में, इस एरिया में बहुत सारे युद्ध हुए, सीरीज ऑफ वॉर्स, एक के बाद एक युद्ध होते ही चले गए. एंड फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और यही बेस बना, यही फाउंडेशन था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, इसी कारण से प्रथम विश्व युद्ध हुआ. तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. ये फिगर दिया है, वर्ल्ड है, उसके ऊपर ब्रिटिश का राज, ऐसा बताते मैप सेलिब्रेटिंग द ब्रिटिश एम्पायर. एट द टॉप एंजल्स आर शोइंग कैरिंग द बैनर ऑफ फ्रीडम. टॉप में जो बता रहे हैं कि एंजल्स है वो फ्रीडम, फ्रेटर्निटी, फेडरेशन, फ्रीडम, ये सब होना चाहिए. तो देवी देवता ऐसा चाहते हैं, फरिश्ते ऐसा चाहते हैं. इन द फोरग्राउंड मीन्स आगे के भाग में, ब्रिटानिया जो एलेगोरी है ब्रिटेन की, द सिंबल ऑफ द ब्रिटेन नेशन, ब्रिटिश नेशन इज ट्रायम्फेंटली सिटिंग ओवर द ग्लोब. वो ट्रायम्फेंटली मीन्स विजेता बनकर पूरे ग्लोब के ऊपर बैठी है, मीन्स पूरा विश्व उसके अंडर में है, ऐसा पूरे विश्व को उसने जीत लिया है. द कॉलोनीज आर रिप्रेजेंटेड थ्रू इमेजेस ऑफ टाइगर्स, एलिफेंट्स, फॉरेस्ट एंड प्रिमिटिव पीपल. जिनके ऊपर उनका आधिपत्य है, उनका राज है, वो अलग अलग राष्ट्र जैसे टाइगर, उनका सिंबल बताया है, एलिफेंट, टाइगर, फिर फॉरेस्ट, प्रिमिटिव पीपल, इनके ऊपर उनका आधिपत्य है. The domination of the world is shown as the basis of Britain's national pride. और ये विश्व के ऊपर जो अपना आधिपत्य है वो ब्रिटेन का एक गौरव है, ऐसा वहाँ पर बताया गया है. You can see all this. अंग्रेज हैं, अलग अलग टाइगर्स, एलिफेंट, सबके ऊपर वो लोग राज कर रहे हैं, और वर्ल्ड लिखा हुआ है उसके ऊपर, ब्रिटानिया बैठी है, सभी को उन्होंने गुलाम बना लिया है, कॉलोनीज बना ली है, ब्रिटिश एम्पायर इन 1886, ऐसा बताया वहाँ पर. आगे पढ़ते हैं. नेशनलिज्म अलाइंड विथ इम्पेरियलिज्म. तो नेशनलिज्म के साथ साथ क्या जुड़ गया, उसके साथ साथ कंबाइन हो गया इम्पीरियलिज्म, यानी कि मोनार्की हम लोग बोल सकते हैं, राजाशाही बोल सकते हैं. लेड यूरोप टू डिजास्टर इन 1914. इसके कारण पतन हुआ यूरोप का 1914 में. एंड यू नो दिस ईयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ द स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑल्सो. बट मीनवाइल, लेकिन इस दरमियान मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड, दुनिया के बहुत सारे देश
विच हैड बीन कॉलोनाइज बाय द यूरोपियन पावर्स, जिनके ऊपर यूरोप ने अपना पावर स्थापित किया था, इन द 19th सेंचुरी बिगेन टू अपोज इम्पीरियल डोमिनेशन। वो विरोध करने लगे, हर जगह उनका विरोध होने लगा, स्वतंत्रता के लिए लोग लड़ने लगे उनके खिलाफ। द एंटी इम्पीरियल मूवमेंट्स दैट डेवलप्ड एवरीवेयर वर नेशनलिस्ट, और एंटी इम्पीरियल मीन्स राजाशाही मोनार्की के कारण इम्पीरियलिज्म के खिलाफ सब लोग आवाज़ उठाने लगे, सभी नेशनलिस्ट इसके खिलाफ आवाज़ उठाने लगे। इन द सेंस दैट दे ऑल स्ट्रगल टू फॉर्म इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट, और हर एक अपने आप को एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र, स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करना चाहता था। एंड वर इंस्पायर्ड बाय अ सेंस ऑफ कलेक्टिव नेशनल यूनिटी, और इसमें उनकी भावनाएं थी जैसे समूह, सामूहिक, नेशनल यूनिटी, राष्ट्रीय एकता की भावनाएं। फोर्ज इन कॉन्फ्रंटेशन विथ इम्पीरियलिज्म, और फोर्ज मीन्स संघर्ष था उनका, कॉन्फ्रंटेशन विथ इम्पीरियलिज्म, और उनका टकराव जो था वो इम्पीरियलिस्ट लोगों के साथ था। यूरोपियन आइडियाज़ ऑफ नेशनलिज्म वर नो वेयर रेप्लिकेटेड, यूरोप की जो नेशनलिज्म के आइडियाज़ थे, राष्ट्रीय भावनाएं थी, वो कहीं पर भी रेप्लिकेट मीन्स डुप्लीकेट नहीं हुए या उनको किसी ने फॉलो नहीं किया। फॉर पीपल एवरीवेयर डेवलप देयर ओन स्पेसिफिक वेराइटी ऑफ नेशनलिज्म, हर एक राष्ट्र जो गुलाम था, कॉलोनी बना हुआ था, वो अपने अपने हिसाब से आज़ादी चाहता था, अपने अपने नियमों से। बट द आइडिया दैट सोसाइटीज शुड बी ऑर्गेनाइज इंटू नेशन स्टेट्स, लेकिन ये जो विचार था कि सोसाइटीज़ जो हैं, अलग अलग रीजन्स जो हैं, यानी कि एक राष्ट्र नेशन स्टेट्स बनना चाहिए, केम टू बी एक्सेप्टेड एज नेचुरल एंड यूनिवर्सल, ये सर्वत्र पूरी दुनिया में एक कुदरती बात के तौर पे सामने आया, और यूनिवर्सल पूरे विश्व ने माना कि सभी को ऑर्गेनाइज होके एक नेशन स्टेट बनना चाहिए। सो दैट इज़ द एंड ऑफ द लेसन, होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय, टेक केयर, गुड नाइट, एंड डू द होमवर्क। Mostly homework is not being done, so please do the homework. As usual, 15 objectives you have to prepare.